फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम साउथ में जो तीर्थ स्थल है अलग अलग, जो बहुत ही प्राचीन है, उस सभी मंदिरों को हम विजिट कर रहे हैं। साउथ हम घूम रहे हैं। अभी तक आपने मेरे दक्षिण भारत के मंदिरों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और उसके बाद ही मेरा आज का वीडियो देखिए। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ मेरे गांव में, जो गांव है जो यही रास्ते में बीच में आता है और जो उड़पी से बहुत ही नजदीक है। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए गाँव में। यहाँ पे साउथ में नारियल पानी पी के ले रही हूँ, तो यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैं सोचा लोकल पाइनएप्पल का फ्रूट भी मैं खा लूँ। इसके लिए अभी मैं पाइनएप्पल भी खाऊंगी, पहले कोकोनट वाटर देन पाइनएप्पल। गुजरते अभी मैं पहुंच गई हूँ हमारे गांव में, नीलावरा में, हमारे गांव की देवी महिषासुरवर्धिनी देवी के दर्शन के लिए। ये जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा माना जाता है कि अलुपास, होयसल, विजयनगर शासकों ने इस स्थान पर, इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए थे। नीलावरा में महिषामर्दिनी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और हजारों भक्त इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ उपलब्ध पत्थर के शिलालेख मंदिर की प्राचीनता को स्थापित करते हैं। द फोर हैंडेड स्टैचू ऑफ द गॉडेस महिषामर्दिनी इज फाउंड विद चक्रा इन द लेफ्ट हैंड, स्लिटिंग ओपन द थ्रोट ऑफ महिषासुरा विद द स्पीयर इन द हैंड। Moreover, the goddess is found stamping Mahishasura with the right leg. कर्नाटक के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गुरुराज भट्ट ने ये कहा था कि ये देवी की प्रतिमा 10वीं सदी की है।
अभी मैं मंदिर के अंदर बैठी हूँ, बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत ही सीरेनिटी है यहाँ पे, अच्छा शांति महसूस हो रही है। और अभी मैं मंदिर के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड है भगवान का, वहाँ पे बैठी हूँ। यही खासियत होती है साउथ के और गोवा के मंदिरों की, या तो वाटर बॉडीज को लग के होते हैं मंदिर्स, या फिर मंदिर के अंदर एक तालाब होते ही है जो भगवान के तालाब माने जाते हैं। गांव देवी का दर्शन लेके मैं पहुंच गई हमारे घर में। सामने ही छोटा सा कुआं है और कुएं के सामने एक सुंदर सा तालाब। ये सुंदर नजारा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि घंटों तक यहाँ पे झील के किनारे बैठी रहूं और इस सुंदर प्रकृति को मेरे आंखों में स्टोर कर लूं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्यारा सा क्यूट सा बछड़ा। इट वॉज सो क्यूटी क्यूटी।
और फिर घूम के लग गई मुझे जोरों से भूख। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यम्मी फूड। दोपहर का यहाँ पे काकी ने खाना इतना मस्त टेस्टी बनाया था कि वो दोपहर का खाना खा के बहुत ही मज़ा आया मुझे। और यहाँ पे रह के मेरे को इतना सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।